वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम गोल्डन ब्रेस के जो चैप्टर है उसे डिस्कस कर रहे थे, आज हम भरते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डिस्क्लोज ऑन प्रेयर। पहले हम जो चैप्टर है उसका नाम समझते हैं, क्या मतलब होता है डिस्क्लोज ऑन प्रेयर का। मतलब होता है एक भाषण देना, एक प्रवचन देना प्रेयर के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर एक भाषण देना जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था बच्चों को, उसके बारे में ये चैप्टर है। बड़ा ही सिंपल सा एक चैप्टर है जिसके अंदर हमारे जीवन में अनुशासन, प्रार्थना, भक्ति कितनी जरूरी है गांधी जी हमें ये बताते हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी हमारे देश के बापू कहलाते हैं, हमारे देश के क्या है, फादर है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। इनको सत्याग्रह के लिए जाना जाता है, अहिंसा इनके जीवन का क्या था, मूल उद्देश्य था। साथ ही ये नेशनल मूवमेंट के लीडर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये उनकी बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी थी। ये चैप्टर भी गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। गांधी जी अपने कुछ विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने साबरमती आश्रम के अंदर एक भाषण दे रहे होते हैं, प्रवचन दे रहे होते हैं, और वो प्रवचन होता किस टॉपिक पर है, प्रार्थना के ऊपर दे रहे होते हैं। उनके जितने भी विद्यार्थी होते हैं साबरमती आश्रम में सुन रहे होते हैं और गांधी जी उन्हें प्रार्थना के ऊपर कुछ बता रहे होते हैं। क्या है वो हम लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गांधी जी ये कहते हैं, प्रेयर इज अ सोल ऑफ रीजन। गांधी जी अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, शिष्यों को बताते हैं कि प्रार्थना जो है वो हर इंसान का क्या है, धर्म है। हर इंसान जो है किसी ना किसी धर्म को मानता है। प्रार्थना आत्मा की शुद्धि कहलाती है। हर व्यक्ति को प्रार्थना से संबंध रखना चाहिए, प्रार्थना को गुनगुनाना चाहिए, अपने आराध्य को याद करना चाहिए। केवल शब्दों में नहीं, अपने मन से प्रार्थना को भी क्या करना चाहिए, मतलब प्रार्थना के बारे में सोचना चाहिए। गांधी जी आगे ये बताते हैं कि हर इंसान की रीजन, हर इंसान का कोई ना कोई धर्म होता है, क्योंकि कोई भी इंसान धर्म के अलावा जीवित नहीं रह सकता। गांधी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति जो धर्म को मानता है उसे प्रार्थना को भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। उसके बाद गांधी जी कहते हैं, प्रेयर इज अ कोर ऑफ मैन्स लाइफ। प्रार्थना ही है जो हम इंसान के जीवन का मूल जो है वो क्या है, मूल भाव है, या कह सकते हो कि मूल कार्य है। हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, लेकिन अगर उसने एक दिन में 2 मिनट भी प्रार्थना नहीं की तो उसका जीवन क्या है, जानवर के समान है, या बिल्कुल निरर्थक जीवन वो जी रहा है। तो गांधी जी यही भाषण में कह रहे होते हैं कि प्रार्थना कितनी जरूरी है, कहाँ आवश्यकता है प्रार्थना की, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी से भरने के लिए, हमें आत्मा से लगाव रखने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। हर इंसान को प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में करे। हर दिन में वो थोड़ी देर मन को शांत करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए प्रार्थना को दोहराते रहना चाहिए। आगे गांधी जी कहते हैं, गांधी जी ये जो लेक्चर है वो डिलीवर कर रहे होते हैं प्रेयर के ऊपर साबरमती आश्रम के अंदर अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को। मतलब नीड ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट। प्रार्थना की जरूरत क्यों पड़ रही है, ताकि हमारा जो दिमाग है वो भी क्या बने, शुद्ध बने, हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल है, वो भी क्या बने, शुद्ध बने, हमारे वाणी में, व्यवहार में, सोच में, हर चीज में शुद्धता आए। इसके लिए गांधी जी चाहते हैं कि हर इंसान अपने जीवन में प्रार्थना को करे, चाहे शब्दों में करे, चाहे ध्यान लगाकर करे, चाहे मेडिटेशन के रूप में करे, बस थोड़ी देर शांत मन से आंखें बंद करके अपने भगवान को क्या करे, याद करे। तो वो देखेंगे उनके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, उनका जीवन जीने का तरीका जो है वो थोड़ा बदल जाएगा। ऐसे लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते, बहुत ज्यादा नास्तिक होते हैं, अगर वो लोग भी थोड़ी देर प्रार्थना करें तो कहीं ना कहीं उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसा गांधी जी अपने स्टूडेंट्स को साबरमती आश्रम में प्रार्थना के ऊपर बता रहे होते हैं। गांधी जी कहते हैं, मैं बड़ा खुश हूं कि मेरे शिष्य प्रार्थना के ऊपर मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं। मैं अपनी बात को आगे दोहराते हुए कहता हूं कि प्रार्थना हमें हमारे जीवन का मूल भाव है, हमारी स्मृति को, हमारे मन को, चित्त को शांत करने के लिए प्रार्थना हर इंसान के जीवन में होना जरूरी है। फिर गांधी जी आगे कहते हैं, प्रेयर फ्रिंग फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस। हमारे जीवन में अंधकार भरा होता है, इग्नोरेंस, हमारे जीवन में बहुत सारी मतलब इग्नोरेंस भरी हुई होती है, अंधकार भरा हुआ होता है, जिसको हम केवल एक चीज से ही दूर कर सकते हैं, वो है प्रेयर, वो है प्रार्थना। केवल प्रार्थना ही है जो इंसान के अंधकार को, इंसान के अंदर भरे हुए अंधकार को दूर करती है और उसे उजाले की तरफ लेकर जाती है। अगर इंसान सच्चे मन से थोड़ी देर भगवान का या प्रार्थना का क्या करे, कहते हैं ना, जाप करे, केवल हाथ में माला लेकर राम 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 जपने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप मन से, चित्त से, अपने दिमाग से उस चीज को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे। गांधी जी यही कहते हैं कि पूरा दिन ग्रंथों की किताब पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, पूरा दिन भगवान के आगे पूजा पाठ करना भी कोई जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें
हैं तो 10 मिनट शांति से पूरे दिन में अगर आप अपने भगवान को किसी भी रूप में याद करें, प्रार्थना के रूप में याद करें, तो उसको भी आपको भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि दूसरे लोगों को मिलता है। तो गांधी जी कहते हैं कि ढोंग नहीं रचाना है, ढोंग ना करते हुए मन से अपनी प्रार्थना को आपको करना है, तभी उसका सच्ची जो फल है वो आपको मिल सकेगा। आगे गांधी जी कहते हैं, विदाउट प्रेयर देयर इज नो इनवर्ड पीस। बिना प्रेयर के इंसान को आत्मिक शक्ति कभी भी प्राप्त नहीं होगी, आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होगी। अगर इंसान सच्चे रूप से अपने मन को शांत करना चाहता है तो उसे रियल में प्रार्थना करनी होगी, तभी वो उसको जो सच्ची शांति उसको चाहिए वो मिलेगी। अगर वो ढोंग रचा रहा है, ऊपर ऊपर से जाप कर रहा है, माला फेर रहा है, पर ध्यान मन उसका कहीं और है, तो उसे सच में उसका जो गुण है या कह सकते ना उसका जो फल है वो नहीं मिलेगा। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ही उसका रिजल्ट आपको रियल में मिलेगा। तो गांधी जी भी ये कहते हैं कि सच्चे मन की प्राप्ति करने के लिए, शांति की प्राप्ति करने के लिए हर इंसान को थोड़ी देर प्रार्थना अपने जीवन में जरूर करनी चाहिए। फिर गांधी जी आगे कहते हैं, रेक्टिफाई वन एंगल स्क्वायर ऑफ द अदर एंगल विल बी। अगर एक स्क्वायर होता है जिसके चारों एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं, अगर एक एंगल को सही कर दिया जाए तो बाकी तीन एंगल अपने आप क्या होंगे, सही हो जाएंगे। तो गांधी जी यही कहना चाह रहे हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे तौर तरीके हमने जीवन में अपनाए हुए हैं। अगर हम अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक गुण चाहते हैं, अनुशासन चाहते हैं, शालीनता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो उन सबका एक ही एंगल है, उन सबका एक ही मूल उद्देश्य है, वो है प्रार्थना। अगर इंसान जीवन में प्रार्थना अपनाता है तो उसके अंदर अनुशासन भी आता है, धर्म की जानकारी भी आती है, भगवान के प्रति उसका विश्वास, आस्था और लगाव भी बढ़ता है। इसलिए अगर इंसान सच्चे मन से प्रार्थना करेगा तो वो भगवान को अपने समीप पाएगा, साथ ही उसके जो जीवन के कष्ट है, उसके जो बुरे सपने हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन जरूरत यह है कि प्रार्थना को सच्चे मन से करना होगा, ढोंग रचाने से कुछ भी नहीं होगा। आगे गांधी जी कहते हैं, स्टार्ट योर डे विद प्रेयर एंड क्लोज इट। अपने दिन की शुरुआत हमें प्रार्थना से करनी चाहिए। रात को पूरा काम होने के बाद जब हम सोने जाते हैं तो भी हमें प्रार्थना करके अपनी आंखों को बंद करना चाहिए। अगर हम ऐसा निरंतर करते हैं तो सपने में जो बुरे सपने आते हैं हमें नींद में, वो भी क्या होंगे, हमसे दूर भाग जाएंगे। बुरे सपने भी मीठे सपनों में बदल जाएंगे अगर हम नित्य प्रतिदिन प्रार्थना को सच्चे मन से दोहराते हैं या करते हैं। तो दिन की शुरुआत भी प्रार्थना या अपने भगवान को याद करते हुए करनी चाहिए, और रात को सोते वक्त भी भगवान को धन्यवाद करना चाहिए या प्रार्थना के रूप में उन्हें याद करना चाहिए। तो आपके मन के जो विचार है, जो अशांत मन है, दिमाग में जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सब भी क्या होगा, दूर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको जो पूरी रात्रि है, पूरी रात को जो नींद आएगी वो बड़े ही शांतिपूर्वक आएगी, पीसफुल नाइट आपकी, शांति से रात जो होगी वो निकलेगी। वरना बीच बीच में आपको बुरे सपने भी कई बार आने लगते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा मन, हमारा दिमाग जो होता है अस्थिर रहता है, अशांत रहता है, इस वजह से। गांधी जी यही कहते हैं, प्रार्थना जो है हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। जितना कि एक व्यक्ति का खाना, रहना, पीना, उठना या काम करना जरूरी है, उसी प्रकार एक इंसान को अपने जीवन में प्रार्थना को भी उसी प्रकार क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए। तो गांधी जी कहता है कि एक इंसान और जानवर में यही तो फर्क है कि अगर हम लोग सारी नित्य प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जानवर भी वैसा ही करते हैं, अगर हम उनसे इंसान के रूप में अलग हैं तो हमें प्रार्थना करके ही जानवरों से अपनी अलग पहचान बनानी पड़ेगी, वरना हम इंसान में और जानवर के जीवन में कोई भी अंतर नहीं रहेगा जो इंसान प्रार्थना नहीं करता। जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं उन्हें हर वक्त निराशा उनके मन में छाई रहती है, हर वक्त वो नेगेटिव रहते हैं, गलत बात करते हैं, उनका मन, दिल, विचार हमेशा गलत सोचता है, गलत समझता है। क्यों? क्योंकि वो नास्तिक होते हैं, भगवान की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो उनके तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि वो प्रार्थना में विश्वास नहीं करते। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं यही कहना चाहता हूं, मैं अपने खुद के अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। एक बार की बात है, मैं और मेरे कुछ दोस्त आश्रम में रहा करते थे, तो मैं उन सबसे थोड़ा अलग था क्योंकि मैं सत्यवादी था, सच और अहिंसा पे चलना मेरे जीवन का मकसद था। मैं प्रार्थना नित्य प्रतिदिन करता था, मैं जाप नहीं करता था, राम राम का जाप नहीं करता था, किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ता था, बस शांति से अकेले में 10 मिनट अपना दिमाग को शांत रख के, आंखों को बंद करके अपने आराध्य को याद करता था, और जो प्रसन्नता, जो चित मेरे मन के अंदर मुझे मिलती थी, शांति मिलती थी, वो मेरे बाकी दोस्तों को नहीं मिलती थी, क्योंकि वो लोग ढोंग करते थे और मैं ढोंग नहीं करता था। गांधी जी अपने कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए शिष्यों को बता रहे होते हैं आश्रम में कि किस प्रकार से प्रार्थना जो है एक व्यक्ति के जीवन का मूल सार कहलाता है। उसके अलावा गांधी जी कहते हैं, प्रेयर इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। अनुशासन के लिए प्रार्थना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वो प्रार्थना जरूर करता है, क्योंकि अनुशासन प्रार्थना से ही आता है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें प्रार्थना से ही आता है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ होता है उसके अंदर अपने आप कुछ गुण क्या होते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं। जो व्यक्ति नास्तिक होता है उसमें थोड़े से गुण क्या होंगे, राक्षसों जैसे पैदा होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है उसमें भगवान से संबंधित गुण शुरू अपने आप ही डेवलप होने लगते हैं। तो जीवन में अनुशासन होना बेहद जरूरी है, जिसके लिए आपको प्रार्थना से जुड़ाव होना जरूरी है। गांधी जी ने प्रार्थना के दो टाइप
में बताए हैं, गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थनाएं दो प्रकार की होती है, एक होता है पेटिटेशनल प्रेयर, एक होता है इनवर्ड कम्युन, मतलब कि यचनात्मक प्रार्थना भी कहा जाता है, और एक बोला जाता है सीधा भगवान से संपर्क करना, जिसे कि कम्युनियन भी कहा जाता है। तो दो प्रकार की प्रार्थनाओं को गांधी जी ने इसमें डिस्कस किया। इसके साथ ही गांधी जी कुछ और बातों को कहते हैं कि हर इंसान के जीवन के कुछ उद्देश्य होते हैं, वो उद्देश्य की प्राप्ति जरूर करें, लेकिन साथ साथ में अपने रीजन को, अपने धर्म को, अपने भगवान को भी याद रखें, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी उनके लिए जरूरी है। तो हर व्यक्ति को जीवन में प्रार्थना अपनानी चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, अपने आत्मा और मन की शुद्धि के लिए प्रार्थना का ध्यान लगाना चाहिए, केवल ढोंग नहीं रचना चाहिए, केवल शब्दों का उपयोग ना करके दिल से कुछ ऐसा करना चाहिए कि भगवान आपके समीप हो, ऐसा आपको लगे। इस तरीके से करने से व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ता है, उनमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, माइंड, दिमाग और जो हृदय होता है इंसान का पूरी तरीके से शांत रहता है। इस तरीके से गांधी जी इस चैप्टर में हमें प्रार्थना के महत्व पर बल देने के लिए बताते हैं, या प्रार्थना किस प्रकार जरूरी है इसके बारे में बताते हैं। गांधी जी ने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हमें बताया कि प्रार्थना हमारे लिए कितनी जरूरी है। इस प्रकार से ये वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रार्थना हर एक इंसान का मूल भाव या केंद्रीय भाव हमारे जीवन का कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से जो सही है आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द लेसन इज अबाउट, ये जो पार्ट है वो किसके बारे में है, क्या बताना चाह रहे हैं गांधी जी। आंसर है द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, प्रेयर या प्रार्थना की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है, इसके ऊपर ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन अ बेटर प्रेयर अकॉर्डिंग टू गांधी जी वन शुड हैव, अच्छी प्रेयर के लिए एक इंसान को क्या करना चाहिए। अ हार्ट विदाउट वर्ड्स, ऐसी प्रेयर होनी चाहिए जो बिना शब्दों के क्या किया जाए, मन से जिसको याद किया जाए या प्रेयर की जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज द ग्रेटेस्ट प्रेयर ऑफ ह्यूमन बींग, हम इंसान की या मानव जाति की सबसे बड़ी प्रेयर क्या होती है। आंसर, सर्विस ऑफ मैनकाइंड, हर इंसान को, मतलब सर्विस ऑफ मैनकाइंड का मतलब आप कह सकते हो दयालुता या इंसान की सेवा को सर्विस ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है। ये सबसे बड़ी सेवा है कि अगर हम किसी इंसान की सेवा करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर वाज दिस लेक्चर डिलीवर्ड बाय गांधी जी, गांधी जी ने अपना भाषण कहाँ पर डिलीवर किया था। ध्यान रखना, जगह पूछी जा रही है, कहाँ डिलीवर किया था। आंसर है दिस लेक्चर वाज डिलीवर्ड बाय गांधी जी, ये भाषण गांधी जी के द्वारा दिया गया था अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, कई सारे शिष्यों को जो कि ग्रुप समूह में बैठे हुए थे, एट साबरमती आश्रम, गांधी जी के आश्रम जो कि साबरमती आश्रम गांधी जी का था, जहां पर स्टूडेंट पढ़ते थे, वहां पर इस लेक्चर को गांधी जी ने बच्चों को डिलीवर किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु कॉन्स्टिट्यूट द ऑडियंस ऑफ द लेक्चर, इस भाषण को सुनने वाले लोग कौन थे। आंसर है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, कई सारे बच्चों का, शिष्यों का एक ग्रुप था जो कि साबरमती आश्रम में रहता था। कॉन्स्टिट्यूशन द ऑडियंस ऑफ दिस लेक्चर, वही थे जो गांधी जी की प्रेयर के भाषण को सुन रहे थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्पीच, इस कहानी का मेन उद्देश्य या केंद्रीय भाव क्या है। आंसर, द सेंट्रल आइडिया ऑफ स्पीच वाज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन ह्यूमन लाइफ, इस पाठ का केंद्रीय भाव है कि गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि हर एक इंसान के जीवन में कि जो प्रार्थना है वो कितनी ज़रूरी है और उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार अ ह्यूमन बींग, एक इंसान विदाउट अ प्रेयर इज लाइक एन एनिमल, अगर इंसान जीवन में प्रेयर नहीं करता तो उसका जीवन जानवर के समान ही गुजरता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई शुड प्रेयर बी द एसेंशियल ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ इन द गांधी जी ओपिनियन, गांधी जी के विचारों के अनुसार जो प्रेयर है वो इंसान के जीवन में किस प्रकार से सार्थक है या किस तरीके से साथ से भरी हुई है। आंसर है गांधी जी बिलीव्स दैट प्रेयर इज द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रीजन, गांधी जी समझते हैं कि हर इंसान के जीवन में प्रेयर है बड़ी ही महत्वपूर्ण रहती है, प्रेयर के बिना इंसान का जीवन जो है जानवर के समान है, और जो प्रेयर है वो सभी धर्मों से क्या है, जुड़ी हुई है। एज नो मन कैन लिव विदाउट रीजन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजन के अलावा जी नहीं सकता, हर व्यक्ति का कोई ना कोई धर्म होता है और धर्म जो है वो प्रेयर से जुड़ा होता है, इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में प्रेयर जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रेयर डज गांधी जी डिस्क्राइब इन द लेक्चर, अपने भाषण में गांधी जी ने कितने प्रकार की प्रेयर को बताया है। आंसर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेयर, गांधी जी ने अपने भाषण में दो प्रकार की प्रेयर बताई है। पहली, वन इज द पेटिशनल प्रेयर, पहली ऐसी जो याचनात्मक प्रेयर होती है, जैसे याचना वगैरह मांगने की जो होती है उसे बोला जाता है, और सेकंड जो है इनवर्ड कम्युनियन, ये दो प्रकार की प्रेयर होती है जिसके अंदर इंसान आत्मिक लगाव से भगवान को क्या करता है, याद करता है। तो दो प्रकार की प्रेयर को गांधी जी ने अपने भाषण में बच्चों को बताया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, Do you think that prayer bring discipline in the life? क्या प्रेयर से जीवन में अनुशासन आता है, ऐसा आपको लगता है। आंसर, यस, हाँ,
प्रेयर ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ। हाँ, प्रेयर से ही हम इंसान के जीवन में अनुशासन आता है। अ मैन हु प्रेज, एक इंसान जो प्रेयर करता है, इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, वो अपने कर्तव्यों के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहता है, सेंसिटिव रहता है, भावुक रहता है। प्रेयर टीचेज अस टू सर्व मैनकाइंड, और जो व्यक्ति प्रेयर करता है उसका हृदय भी दयालुता से भरा होता है और वो मैनकाइंड मानवों की सेवा करने में लग जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What should be the mission of a human being in life? एक इंसान के जीवन का मूल उद्देश्य या ध्येय क्या होना चाहिए? आंसर है to service the fellow man। इंसान को इंसान की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। Should be the mission of the human being in life। एक इंसान के जीवन का उद्देश्य इंसान की सेवा करना होना चाहिए, मानवता की रक्षा करना होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 61। ये हमारे लॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज द प्रेयर प्योरीफाई वन सोल। प्रार्थना किस प्रकार से हमारे मन को, हमारी आत्मा को जो है वो क्या करती है, साफ करती है, या कह सकते हो प्योर करती है। आंसर है अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार प्रेयर प्योरीफाइज वन सोल। प्रार्थना ही है जो एक इंसान के आत्मा को क्या करती है, प्योरीफाई करती है, उसे शुद्ध करती है। एंड प्रेयर इज अ कोर ऑफ मैंस लाइफ, और प्रार्थना इंसान के जीवन की मूल उद्देश्य या मूल कोर है। इट फ्रीज फ्रॉम ओवर सोल फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस। प्रार्थना ही है जिसकी वजह से हमारा जीवन के जो अंधकार है वो क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। एंड मेक कम्युनियन विद अ गॉड इम्पॉसिबल, और भगवान से वो असंभव भी हमारा कनेक्शन जो होती है या संपर्क जो होती है वो बना देती है। इस प्रकार से प्रार्थना ही है जिसके माध्यम से हम भगवान के निकट जा सकते हैं, उनसे एक संपर्क बना सकते हैं, साथ ही अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं और अपने मन को भी शुद्ध बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गांधी जी सेज इट्स अ बेटर It is better in the prayer to have a heart without words than words without a heart explained। गांधी जी के अनुसार गांधी जी कहते हैं कि प्रार्थना करते वक्त हमारे हृदय का अच्छा होना चाहिए बजाय कि हमारे शब्दों का। इस प्रकार से गांधी जी कहते हैं कि बिना एक हार्ट के, हार्ट का होना जरूरी है बिना शब्दों के। इस तरीके से गांधी जी इस फ्रेज में क्या कहना चाह रहे हैं, गांधी जी बताना चाह रहे हैं कि अगर शब्द ना हो तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो हार्ट है वो प्योर और शुद्ध होना चाहिए। केवल शब्दों के माध्यम से, जाप करने से कोई भी प्रार्थना सक्सेस नहीं होती। मन आपका शुद्ध होना चाहिए, तभी भगवान आपकी बात को सुनेंगे। आंसर है ही सेज, गांधी जी कहते हैं दैट अ प्रेयर इज नॉट अ मियर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड ऑफ मंत्रा। केवल प्रार्थना में शब्दों का उच्चारण करना उचित नहीं है। केवल मंत्र पढ़ते रहो, जाप करते रहो, राम राम का जाप करते रहो, पर हमारा दिल और दिमाग कहीं और लगा रहे, केवल शब्दों के माध्यम से हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। द सोल प्रेयर नीड्स डेप्थ ऑफ द इमोशन। अगर आप सच में प्रेयर करना चाहते हो तो आपको मन की गहराइयों में उसे अपनाना पड़ेगा, एज वेल एज ऑफ हार्ट, और अपने मन में भी उसे उतारना पड़ेगा। वी शुड प्रे फ्रॉम अ हार्ट विदाउट वर्ड। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि प्रार्थना आप कीजिए, लेकिन प्रार्थना को दिल से कीजिए और बिना शब्दों के कीजिए। केवल ढोंग नहीं करना, शब्दों का जाप नहीं करना, मन में भगवान या अपने आराध्य को याद करना है, वही असली प्रेयर कहलाती है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। What do you understand by Gandhiji's statement, rectify one angle of square and the other angle will be automatically right? गांधी जी के इस स्टेटमेंट या इस वाक्य से आप क्या समझते हो, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि अगर वर्ग के एक कोण को सही कर दिया जाए तो बाकी तीन कोण अपने आप ही सही हो जाएंगे। इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? आंसर है We often complain that things are not going well। अक्सर हम इंसानों की दिक्कत रहती है कि हम गलत खुद होते हैं, काम खुद नहीं करना चाहते, लेकिन कंप्लेन शिकायत हमेशा करते रहते हैं। तो हम अक्सर शिकायतें करते हैं कि चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं चल रही है। एंड वेल अराउंड एंड वी फॉरगेट दैट वी आर ऑल्सो अ पार्ट एंड अ पार्सल ऑफ दिस। और हम भूल जाते हैं कि मुश्किलें जो है उसको पैदा करने वाले आखिर हम खुद ही हैं। अगर हम चाहें तो मुश्किलों का हल भी ढूंढ सकते हैं या निकाल सकते हैं। द वर्ल्ड अराउंड इज लाइक अ स्क्वायर। ये पूरी दुनिया हमारे जो समक्ष है वो एक स्क्वायर की भांति, एक स्क्वायर के रूप में बनी हुई है, और हम इस स्क्वायर के अंदर ही क्या करते हैं, निवास करते हैं। अगर वी आर एन एंगल ऑफ इट, हम इस पूरी दुनिया के स्क्वायर के अंदर एक क्या है, एंगल, एक कोण है। इफ वी करेक्ट अवर सेल्फ, अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे, ऑल अदर थिंग्स विल ऑटोमेटिकली बी करेक्टेड। तो अगर हम खुद सही हैं तो दूसरी चीजें भी अपने आप क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो गांधी जी ये कहते हैं कि शिकायतें करना छोड़ दो, आपके पास क्या साधन है
उनका उपयोग करो और आप जो करना चाहते हो उसमें आगे बढ़ो। हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे तो आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप खुद सही है, आपका काम सही है, आपका लक्ष्य सही है, तो कोई भी मुश्किल आपके आड़े नहीं आएगी। इस स्टेटमेंट को गांधी जी इस रूप में बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड हाउ कैन इट बी अचीव्ड? आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन या अनुशासन क्या होता है, उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? आंसर है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार प्रेयर इज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। जो आध्यात्मिक जो अनुशासन है वो केवल किससे प्राप्त होगा? प्रेयर से। प्रार्थना करने से आध्यात्मिक अनुशासन की प्राप्ति इंसान को होती है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कैन बी अचीव्ड बाय ह्यूमन बीइंग बाय रेगुलर प्रैक्टिस एंड डिवोशन। अब ये इंसान कैसे प्राप्त करेंगे? आध्यात्मिक डिसिप्लिन या अनुशासन को इंसान जो है अगर रेगुलर वो प्रैक्टिस करते हैं, किस चीज़ की? डिवोशन की। अगर वो रेगुलर प्रार्थना करते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े रहते हैं, या पूरी तरीके से देश में, पूरी तरीके से भक्त में क्या होते हैं, लीन रहते हैं भक्ति में, वी शैल बी इन कम्युनिकेशन विद गॉड। तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या फील कर सकते हैं कि भगवान हमारे समीप है। Only then we are able to make our life meaningful to by serving the fellow man। और हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि अपने मित्रों की, दोस्तों की, या जो ऐसे व्यक्ति जिन्हें सहायता की जरूरत है उन्हें हमेशा सहायता देते रहें, तो ही हम एक इंसानी जीवन को जी पाएंगे, वरना हमारा जीवन एक एनिमल के समान है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने इस चैप्टर की बेसिक समरी को डिस्कस किया, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस किया। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, लाइन टू लाइन चैप्टर को पढ़िएगा, तो आपका पूरा चैप्टर फिर से समझ में आएगा। मेन बात है, गांधी जी हम सभी को प्रेयर अपनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रेयर से हमारे जीवन में अनुशासन आता है, मन दिमाग चित्त को शांति मिलती है, साथ ही हम जीवन में पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।